हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज होली के अवसर पर मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये गुलाब जामुन की रेसिपी है और ये बहुत ही आसान तरीकों से मैंने बनाया है। बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी भी है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए, पूरा रस से भरा हुआ है। ये बहुत ही मजेदार है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप इस तरह की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा। कढ़ाई हो या फिर कोई दूसरा भी अगर बर्तन हो तो ये बड़ा मुंह होना चाहिए ताकि इसमें गुलाब जामुन अच्छे से डूब जाए। इसके लिए इसमें स्पेस बहुत होना चाहिए। तो इसमें हम चीनी ले रहे हैं इसके लिए। ये देखिए, इस कप से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से, किसी भी कप से ले सकते हो। इसे मैं एक कप चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी से फिर एक कप पानी में ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम अच्छे से बना लेते हैं गैस पे। इसमें एक तार की या दो तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। हमें बस चिपचिपापन चाहिए चाशनी में, बस इतना ही चाहिए। इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। उबलते समय इसमें हम इलायची डाल देंगे। साबुत इलायची को इस तरह से खोल लीजिएगा। इस तरह से खोल के फिर इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, ठीक इस तरह से चाशनी होना चाहिए। इसे हम चेक कर लेते हैं, ऐसे देखेंगे। है देखिए, एकदम चिपचिप हो रही है ये। बिल्कुल इस तरह से चाशनी होना चाहिए। अब हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। इसमें फ्लेवर के लिए आप केवरा एसेंस या रोज एसेंस भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ इलायची का पाउडर या फिर साबुत इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, चाशनी बनके तैयार हो चुका है। अब गैस बंद कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, नींबू का एक स्लाइस है, ये हम इसमें ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे। इससे हमारा चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। जो हम साइड में उतार लेते हैं। और गुलाब जामुन का डो तैयार करने के लिए देखिए, मैंने ये पनीर ले लिया है। ये पनीर घर का है, आप चाहे तो बाजार वाला पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसके साथ इसका टेस्ट दुगना बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा खोआ ले रहे हैं। ये 2 चम्मच के करीब है। सबसे पहले इस तरह की थाली का आप इस्तेमाल कीजिएगा, मिलाने में काफी बढ़िया रहता है। और इसमें ये हम पनीर डाल देंगे। इस तरह से इसे अच्छे से तोड़ लेना है। इसे हाथों से खूब बढ़िया से इस तरह से मिला लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अगर मॉइस्चर रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे हम इसमें मैदा ऐड करने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम खोआ ऐड करेंगे। खोआ आप चाहे तो बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर घर में भी आप बना सकते हैं। घर वाले खोआ का बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है। ये दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे पहले इस तरह से। अपनी हथेलियों की मदद से रब करते हुए इस तरह से हम मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कुछ देर रब करने से ये अच्छे से मिल जाएगा पनीर हमारा। इसके बाद इसमें हम, ये 200 ग्राम पनीर था, तो 200 ग्राम पनीर में आप इस चम्मच से, ये देखिए, ये नॉर्मल जो घर में चम्मच होता है वो चम्मच से 2 चम्मच मैदा हम डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए। इसके साथ ही देखिए, इतना सा, 1/2 टीस्पून से भी कम है, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे। इससे फटेगा नहीं हमारा गुलाब जामुन और काफी अच्छा बनेगा, शेप उसका एकदम नहीं बिगड़ेगा। डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। अगर इसमें जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हम मिलाते जाएंगे। इसे तब तक हम मिलाएंगे जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार ना हो जाए। और सबसे जरूरी चीज, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन का कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा,
देखिए इतना सा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ये हाफ टी स्पून से भी कम है। डाल के इसे एकदम अच्छे से हम मिला लेंगे और कुछ देर तक इस तरह से मिलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए फाइनली कितना परफेक्ट हमारा डो बनके तैयार है। ये देखिए एकदम इस तरह से एकदम फाइन अच्छे से इसका डो तैयार होना चाहिए, दरार नहीं पड़ना चाहिए इसके डो में। इसके बाद हम गोली काट लेते हैं। जितनी बड़ी साइज आपको चाहिए उतनी बड़ी आप कर सकते हो, मैं इस तरह के इतनी बड़ी साइज बना रही हूँ। ये देखिए हाथों में थोड़ा सा आप घी लगा लीजिएगा, उसके बाद अपने दोनों हथेलियों से हल्के हाथों से इसे इस तरह से गोल कर लेंगे हम। दरारें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दरारें अगर रहेगी तो फिर वो फट जाएगा चाशनी में डुबाने के बाद। देखिए इस तरह से कहीं भी दरारें नहीं है, एकदम अच्छे से हम बनाएंगे। इसी तरह से सारे बना के आप रख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे गुलाब जामुन के गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल में करूंगी। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है, इसे बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम टेम्परेचर रहना चाहिए। इसमें हम एक डाल के पहले चेक कर लेते हैं कि तेल कितना गर्म है। इसे लगातार हम चारों साइड से इस तरह से घुमाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, इसे तेज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से लगातार हम चलाते जाएंगे चारों साइड से। ये देखिए ठीक इस ये कलर आ जाना चाहिए तब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन हम फ्राई कर लेंगे। एक साथ में ज्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो फिर तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से चारों साइड से हम घुमाते जाएंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। इसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा तब तक इसे हम इस तरह से पकाएंगे चारों साइड से घुमाते घुमाते। ये देखिए ठीक इस तरह से कलर आ जाना चाहिए, कितना अच्छा काला जामुन का कलर लग रहा है। ठीक इसी तरह से बाकी बचा हुआ जितना है सबको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारा फ्राई करके निकाल लिया है काला जामुन को। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी में डिप करने से पहले जो हमने इसमें डाला था ये नींबू का स्लाइसेस और इलायची का, जो खड़ा इलायची हमने डाला था, चाहे तो आप इलायची को छोड़ भी सकते हैं या निकाल लीजिएगा, और नींबू आप निकाल लीजिएगा। इस तरह से इसे हटा देंगे। चाशनी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म ही है, एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, ये गर्म टेम्परेचर है। इसी में हम ये काला जामुन डाल देते हैं और फिर 15 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे काले जामुन का साइज कितना बड़ा हो गया है और कितना ये शानदार दिखने में लग रहा है। इसे इस तरह से हम डाल के डिप करके और फिर ढक देंगे। इस तरह से ढक्कन लगा के इसे हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये फूल के एकदम डबल साइज हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, 15 मिनट के बाद ये कितना फूल के एकदम डबल साइज में हो गया है और ये काफी सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितनी मजेदार सी गुलाब जामुन मैंने बना के तैयार कर ली है, ये बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करते रहें, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। ओके थैंक यू। और हाँ फ्रेंड, आप सबको होली की बहुत बधाई, हैप्पी होली।